अच्छा नियति भाभी एक बात बताऊँ कि अगर लड़की जब अपने पूरे कपड़े उतार देगी तो क्या होगी? अगर वो आपके साथ ओयो जाने के लिए बोल रही है तो यार ऑब्वियसली उसको सेक्स वगैरह करना है आपके साथ में। तो इंडियंस जो होते हैं उनका अलग होता है, नाइजीरियन वगैरह जो होते हैं उनका अलग। मैंने तो सुना है उनका बहुत वो होता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाय। हाय, कैसे हो? माय नेम इज अजय। व्हाट्स योर गुड नेम? नियति। नियति बहुत प्यारा नाम है आपका। okay. वैसे नाइस टू मीट यू टू, और मैं आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। ओके, तो आपके साथ नहीं, सॉरी, मतलब मैं सोच ही रहा था कि आपको भी अच्छा तो नहीं लग रहा। ओके ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, मैं चला जाऊँ? नहीं, ऐसे पकड़ के यार। कैसे पकड़ के? कैसे पकड़ा था मैंने? भूल गया ऐसे। वाओ, जैसे आप प्रपोज कर। वाओ, मतलब मैं प्रपोज कर सकता हूँ आपको? नहीं नहीं यार, कोई फायदा नहीं है, मैं मैरिड हूँ। क्या बात कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। सच्ची टाइम वेस्ट होगा। किसने बोला भाभियों को सेट करके टाइम पास होता है? किस पागल ने बात लीक करी? कौन है वो पागल? I don't know यार। वाओ, नियति, नियति भाभी, हाय, माय नेम इज अजय। ओके, हाय अजय। नियति भाभी कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। भाभी बोलते सुनते कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है यार। भाभी जो आपने, अच्छा ठीक है, वो सविता भाभी के बारे में सुना है आपने? वो सविता भाभी अलग है यार। नहीं, भाभी तो उनके पास भी लगता है, सविता का मतलब भी अच्छा निकलता है। नहीं, वो थोड़ी बोल्ड भाभी है। नहीं, बोल्ड से आप भी कम नहीं हो, बिना बोल्ड के भी पूरी बोल्ड हो, पता है? वो तो यार बहुत ज्यादा बोल्ड भाभी। नहीं तो बन तो आप भी सकते हो, मतलब मैं प्रैक्टिस। ओके, अगर आप चाहते हो सविता भाभी का कंपटीशन करना तो मैं आपको पूरा पूरा मतलब सपोर्ट करूंगा। नहीं, नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। मतलब आप सविता भाभी के अगेंस्ट हो? अगेंस्ट भी नहीं हूं यार, अगेंस्ट भी नहीं हूं। अच्छा, साथ भी नहीं हूं। सविता भाभी को फोन करूं, बोलूं नियति भाभी ये बोल रही है? करो करो करूं। वो यार उनको जब भी फोन करता हूं ना, वो जॉनी के बारे में पूछती है, जॉनी सेंस के बारे में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। आपको पता जॉनी कौन है? नहीं पता आपको? मेरे को नहीं पता यार। जॉनी वो है गंजा। गंजे का नहीं देखा आपने कभी? कोई गंजी चीज देखी है कभी? कोई गंजी चीज देखी? गंजी नहीं यार, नहीं देखी। गंजी चीज नहीं देखी? शादी कर रखी आपने? मतलब सच में शादी करी है? जूड़ बोल रहे तो गंजी चीज नहीं देखी आपने कभी? कोई क्या गंजी चीज यार, बोलो बताओ। गंजी चीज मतलब कोई वो होते हैं ना, किसी के मतलब पापा के पापा गंजे होते हैं। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, गंजी चीज देखी नहीं देखी? सर ही गंजा होता है, और क्या गंजा होता है? मतलब यार तुम बड़ी गलत हो, मतलब सविता से कम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछूं? अच्छा नियति भाभी एक बात बताओ कि अगर लड़की जब अपने पूरे कपड़े उतार देगी तो क्या होगी? न्यूड। क्या होगी? न्यूड मतलब नंगी यार। अच्छा, कपड़े अगर लड़की अपने सारे कपड़े उतारेगी तो वो नंगी हो जाएगी? ऑब्वियसली आप उतारोगे तो आप भी नंगे हो जाओगे। कोई भी यार, मतलब आप अपने कपड़े रस्सी से उतारोगे तो आप नंगे हो जाओगे यार। मैंने ये थोड़ी ना बोला अपने कपड़े उतारने, मतलब यूं कपड़े उतारने। बड़ी तेज फिल्म हो यार तुम। नहीं यार, देखो ऐसा होता है ना, नेगेटिव थॉट फर्स्ट एंड फॉल माइंड में आता है। कहीं ना कहीं जॉनी सेंस को अच्छे से जानते हो आप। जॉनी चाचा ना बहुत अच्छे चाचा है। अच्छा। जॉनी चाचा के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं। वो ना डॉक्टर भी बनते हैं, कभी पैलम्बर बन जाते हैं, कभी नाई बन जाते हैं, कुछ भी बन सकते हैं वो। जो भी चीज़ों के करेक्टर पकड़ते हैं ना, काम एक ही करते हैं, काम एक ही करना है उनको। शायद तुम जॉनी को जानती नहीं, चला के दिखाऊं? नहीं जानती हो? नहीं, हाँ या ना भरो? हाँ, दिखा देता हूँ। दिखाऊं? दिखाऊं जॉनी? कौन जॉनी यार, लिटिल। पक्का दिखाऊं? लिटिल यार, मुझे नहीं पता। पक्का? क्रोम खोलना पड़ेगा मेरे को, बोलो दिखाऊं? जॉनी को देखना है, वेट वेट वेट, पहले देखना ठीक है? ओके, फिर मेरे को बताना जानती हो नहीं जानती, ठीक है? जॉनी चाचा प्रकट हो जाओ, रीलोड पे आ गए जॉनी चाचा। जॉनी चाचा वे, जॉनी चाचा नहीं आ रहे। अच्छा एक बार इसमें यूं बोलना, कहाँ गया? जॉनी चाचा को ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट रुको, तुम्हें सरप्राइज देना है ना जॉनी चाचा का। रुको रुको यार, तुम सच में नहीं जानती, मजे ले रही हो? नहीं यार, सच में नहीं जानती यार मैं। झूठ बोल रही हो? मुझे पता है। सीरियसली यार, जॉनी को ऐसा कौन सा मनुष्य है जो दुनिया में नहीं जानता? यार मैं हूँ एक मनुष्य। जॉनी को नहीं जानती यार? नहीं जानती यार, जॉनी को नहीं जानती यार। अरे यार लिख के दो। जॉनी सेंस को नहीं जानती यार, सच में जॉनी को नहीं जानती। बड़ा गलत काम करता है वो, दिखाऊं?
दिखाओगी देखोगी भाभी देखोगी बताओ हाँ या ना यार जब आप बोल रहे हो गलत काम करता है तो करता होगा यार मुझे नहीं पता। 1 2 3 बहुत गलत काम करता है जानती थी ना नहीं सच में यार देखा नहीं इसको कभी देखना बहुत काम की चीज है। वैसे एक बात बताओ यार मतलब मैं ना अपनी मतलब नए नए रिलेशनशिप में आया हूँ अच्छा। तो मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो मेरे को मतलब हमेशा मतलब फोर्स कर रही है अभी के ओयो चलते हैं तो मतलब मैं ना बहुत कंफ्यूज सा हो रहा हूँ मतलब मैं मतलब इतना बड़ा नहीं हुआ तो मतलब कंफ्यूज हूँ कि ओयो में जाके करना क्या है मतलब मैं अपने आप को ऐसा भी नहीं दिखा सकता ना कि मेरे को कुछ नहीं पता फिर वो मेरे को मतलब पागल सा समझेगी ना तो वही पूछ रहा था कि ओयो में यार जाके क्या करते हैं आपने तो यार शादी कर रखी है ना तो आपको तो पता ही होगा अच्छा तो थोड़ा जल्दी बता दो मेरे को जानना है यार कहाँ जाना है मतलब जानना है मेरे को कहीं कहाँ जाना है अभी जोनी के बारे में बता दिया ना आपको तो मेरे को डर लग रहा है आप जोनी को जान गए हो जोनी चाचा को जाना था नहीं नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या हाँ भाई बता दो मैं जाऊँ थोड़ा मतलब जल्दी वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है ना पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे बताओ अगर वो आपके साथ ओयो जाने के लिए बोल रही है तो यार ऑब्वियसली उसको सेक्स वगैरह करना है आपके साथ में छी 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 ओयो में जाके सेक्स करते हैं तो और क्या करते हैं गर्लफ्रेंड के साथ और क्या करते हैं भाई राखी बंधवाओगे क्या हाय 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 पागल सी हो गया मतलब मेरे को बिगाड़ रही हो यहाँ पे तुम तो राखी बंधवानी है नहीं नहीं राखी नहीं मतलब बंधवानी है यार वो ना बहुत सारी बातें करती है मैं कंफ्यूज हूँ और तुम मजे ले रही हो मतलब सच में यहाँ पे ओयो में जाके सेक्स ही करना होता है गर्लफ्रेंड के साथ प्यार करती है वो आपसे आप भी प्यार करते हो ना उससे हाँ। तो ऑब्वियसली यार कभी कभी तो मेरा खड़ा भी हो जाता है मतलब वो दिमाग उसके लिए ना हमेशा प्रकट होता है कि कहता है हाँ उसी के लिए तुम एक्टिव रहो हमेशा ऐसे होता है तो प्यार तो करता ही होगा यार ऐसा वो भी आपसे प्यार करती है हाँ तो तभी तो यार तभी तो बोलती है ठीक है तो वो मेरे को ना हमेशा कहती है कि यार तेरा साइज और स्टेमिना वो क्या कहते हैं कि दूसरी चीज़ होती है ना एक स्टेमिना हाँ तो उसका क्या मतलब वो साइज और उस दोनों में क्या मतलब फर्क क्या होता है साइज का यार ये दुख होता है सबका अलग अलग होता है इंडियंस जो होते हैं उनका अलग होता है नाइजीरियन वगैरह जो होते हैं उनका अलग मैंने तो सुना है उनका बहुत वो होता है हाँ यार उनका टाइम पीरियड भी ज्यादा लॉन्ग होता बहुत है उनका ऐसा क्यों होता है क्या खाते हैं कभी आपका दोस्त बना है वैसा नाइजीरियन मैं नहीं अच्छा मुझे तो पसंद में नहीं है काले काले थे यार काले वाला वो मैंने सुना है वो भी काले होते हैं उनके पार्ट भी काले होते हैं सच्चे बोले काले होते हैं अच्छा ठीक है तो उनका होता है यार टाइम और स्टेमिना का तो ऐसा है कि यार टाइमिंग जो सेक्स टाइमिंग होती है यार देखो जो आपका पार्टनर है उसको मतलब प्रॉपरली जो होता है सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है तो आपकी टाइमिंग अगर सोचो यार ज़्यादा ही होनी चाहिए कम होगी तो यार वो सेटिस्फाई नहीं होगा कितना मैक्सिमम और मिनिमम कोई आइडिया दो ना तो मैं घड़ी देख के हार्डली 15 या 20 मिनट्स तो हो ठीक है तो मैं वो टाइमर लगा दूंगा ना फोन पे बेवकूफ हो गया तो यार आप खुद कह रही बेवकूफ हो गया टाइमिंग लगा के कोई ऐसे प्यार करता है क्या तो तुमने बोला नहीं 15 to 20 मिनट्स तो एक आइडिया बता रही हूँ तो आइडिया में सही है ना 20 मिनट पे टाइमर लगा दूंगा फिर उसको दिखाऊंगा देखो इतना टाइम लगा था तुम तो बहुत बेवकूफ बनते हो यार तुम सही नहीं है उसको प्रूफ भी तो होगा ना कि हाँ 20 मिनट्स पूरे हो गए सोचने की बात है प्रूफ तो हो अब मैं उसको समझा रही हूँ कि देखो इतना कम से कम तो होना चाहिए क्योंकि उसको भी यार थोड़ा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए यार वो थक गई बेचारी तो अच्छा थोड़ी ना लगता है किसी को थकाना तुम तो बड़ी बुरी सी लग रही हो यार सही लगता है किसी को थकाना 20 मिनट में बंदा थक नहीं जाता वो थकेगी कि वकेगी नहीं यार नहीं थकेगी नहीं पक्का हाँ मैं जाऊं कांड करा अगर कुछ हो गया ना तो ध्यान रखना अच्छा हाँ तो इंडियंस का जो हमारा होता है जो हमारा उसमें कितना साइज होना चाहिए मतलब आइडिया हो ना ऐसे ना मैं वहाँ पे जाऊं बेइज्जती हो जाए मेरी मेरे को बेइज्जती नहीं करानी जब भी मैं आपके पास आया हूँ चाहे चॉकलेट खा लो डेयरी मिल्क मेरे को सच्चाई बता दो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेइज्जती वगैरह कुछ नहीं होगी ओयो पे जाना है ना बंदी के साथ जाना है हाँ हाँ आपको भी जाना है हाँ तो बस ठीक है उसको लेके जाओगे जब हाँ तो अपना सेक्स वगैरह और ऐसे टाइमर मत लगा देना ये बेवकूफी है चूतिया बनती नहीं ठीक है ठीक है आपने बता दिया बहुत अच्छा ठीक है वो तभी समझ जाएगी चूतिया बनता है ठीक है ठीक है ठीक है ना ठीक है ऐसे उसके सामने कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है पक्का पक्का ठीक है ना ठीक है आराम से प्यार वगैरह करना अच्छे से देखना टाइम वगैरह उसको अच्छे से सेटिस्फाई हो ठीक है ना वो खुश हो बंदी तभी तो यार तुम लोगों की रिलेशनशिप चलेगी लॉन्ग तो साइज क्या होना चाहिए बेइज्जती ना हो जाए मेरी जब भी तो पूछ रहा हूँ थोड़ा आइडिया तो दे दो जाऊँ भी ना जाऊँ घर जाके वो भी तो लेना पड़ेगा मेरे को फुट्टा जैसे ऐसा कुछ नहीं होता फुट्टा लेके क्या करोगे स्केल लेके जाना पड़ेगा मेरे को बाथरूम में तो आइडिया दे दो मेरे को हल्का सा
हल्का सा आइडिया, बस चला जाऊंगा पक्का। मेरे को गाड़ी भी निकालनी है अपनी यार। नहीं नहीं देखो निकाल लेना यार, बात सुननी है। बता, स्केल भी लेना है ना, जल्दी बताओ ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि इंडियन में 5-6-7 ऐसा कुछ इंचों का सीन होता है, 6 इंच होना चाहिए, ठीक है। और मोटा एपी का तो कोई सीन नहीं होता, कोई दक्कर नहीं होता ना पक्का। देखो ऐसे ना मैं चूतिया कट गया ना नियति भाभी, याद रखना मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मेरे को बेइज्जती से बड़ा डर लगता है, ठीक है। तो बस यही आपसे पूछना था, बहुत अच्छे हो आप, शुक्रिया नियति भाभी। वैसे आपका इंस्टाग्राम मिल सकता है मेरे को, जोनी चाचा चल रहे थे सॉरी। तो मैं यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम लगा दो। वाओ ये आप हो यार, आप भी तो पूरी बोल्ड बोल्ड हो यार वैसे यार, ठीक है ओके, नाइस टू मीट यू। वैसे एक आप बात बतानी थी आपको, मतलब मैं ना तो वैसे लोगों का ज़्यादा चूतिया बनाता हूँ जो अच्छा। हाँ तो भाभी का पहली बार ही चूतिया बनाया हम अच्छा। ना वैसे प्रैंक करने आए थे, हमारा ना कैमरा सामने लगा हुआ है, तो हम आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रही हूँ यार। बकचोदी आप कर रहे हो, मेरे को क्या पता, मतलब वैसे सही है बताना भी, मतलब मेरे को पता तो लग गया, मतलब तुम्हें सब पता था ऑलरेडी। हाँ थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन वो 20 मिनट का नहीं पता था, मैंने को 30 मिनट का पता था, 20 मिनट कम बता दिए, 10 मिनट नुकसान में जा रही हो आप। वैसे कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो, उम्मीद कर, वैसे एक बार हाय कर दो व्यूवर्स को, ठीक है। तो सबको पता लग गया होगा, डरो मत, जा सकते हो आप, ठीक है ओके बाय, मिलते हैं किसी और दिन, बाय।